हाय फ्रेंड्स, दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 107, 151, 107, 151, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन हैं दोस्तों, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस ऐसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है जिस पे कोई क्राइम करने, अपराध करने का संदेह हो, वो कुछ गलत कर सकता है, ऐसी संभावना है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। ये बहुत विवादास्पद सेक्शन है, मैं आपको बता दूं। हस्बैंड वाइफ के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, वाइफ 100 नंबर कॉल करती है तो पुलिस आकर 107, 151 का केस बना देती है। अगर पड़ोसी के बीच कोई झगड़ा होता है दोस्तों, तू मैं होती है, 100 नंबर कॉल होती है या पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी तरीके से, तो पुलिस 107, 151 का केस बना देती है। बहुत फेमस सेक्शन है ये दोस्तों। अगर कोई भी बंदा सड़क पे किसी को गालियां दे रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, पुलिस ये सेक्शन बना देती है दोस्तों। और इस सेक्शन में पुलिस को अरेस्ट करने का भी पावर है। ये शांति भंग करना, ब्रीच ऑफ पीस का सेक्शन है। कोई संभावित घटना, आपराधिक घटना हो सकती है, समाज में शांति भंग किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है 107, 151 के सेक्शन के तहत। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है दोस्तों, जब भी पुलिस ऐसे काम करती है वो एक रिपोर्ट बना लेती है उसके खिलाफ, और कुछ विटनेस को भी उसमें शामिल कर लेती है, कुछ गवाह के भी बयान लिख लेती है, और इस कागज को पुलिस फॉरवर्ड करती है, आगे बढ़ाती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बड़े शहरों में होते हैं, छोटे शहरों में उन्हीं के नाम को चेंज भी किया जाता है। कहीं एडीएम होते हैं, कहीं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम कोर्ट, ये सभी अदालतें हैं दोस्तों। ये एग्जीक्यूटिव अदालत है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, ये उनका पद है। ये इनकी अदालत 2 बजे लगती है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी होते हैं जिनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। इनको राज्य सरकार की तरफ से इनकी सैलरी जाती है, इनके सर्विस रूल भी राज्य सरकार से कंट्रोल हो रहे होते हैं, लेकिन इनको एक जज की तरह न्याय करने के लिए इन मामलों में 107, 151 के केसेस में इनको बिठाया गया है दोस्तों। इसके अलावा भी इनको बहुत सी जिम्मेदारियां दी गई हैं सीआरपीसी के तहत। सीआरपीसी का एक पूरे का पूरा चैप्टर 8 जो है, इसी पे है कि इनको क्या पावर है, ये क्या कर सकते हैं। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अदालत कैसे चलेगी, इसकी पूरी बातें की गई है उस अध्याय